बहुत अरसे से जो है आपका फैटी लिवर का मसला चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके लिवर के सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी और आपका परमानेंटली आपका लिवर डैमेज हो जाएगा। अगर हम वज़न कम करेंगे और हम अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेहतर करेंगे तो हमारा TS का मसला फैटी लिवर का कम होना शुरू हो जाएगा। फैटी लिवर में होता क्या है कि आपके लिवर के अंदर जो है ट्राइग्लिसराइड जो कि एक तरह का फैट है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल लिवर की बात करते हैं तो नॉर्मल लिवर का वेट अगर 3 पाउंड्स तक है तो 11 पाउंड्स तक हो सकता है। इसी तरह से अगर उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की क्वांटिटी जो है 5% तक होनी चाहिए तो वो 40% तक बढ़ सकता है। मतलब आपके लिवर के अंदर इतनी ज़्यादा मकदार में ट्राइग्लिसराइड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि वो डैमेज करना शुरू हो जाते हैं आपके लिवर को। आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरे बंदे को ये मसला है। हम ये सोचते हैं कि फैटी लिवर की होना जो है वो जस्ट आपके फैट के इनटेक से रिलेटेड है। जिसका भी फैटी लिवर है मतलब हम ये समझ लेते हैं कि वो यकीनन उसने बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाई हैं इस वजह से फैटी लिवर है। फैटी लिवर होने का चिकनाई वाली चीज़ें खाने से जहाँ तक ताल्लुक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फैटी लिवर का बायस बन सकती हैं। जैसे अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, डायबिटीज़ है, आपका ब्लड शुगर लेवल अगर आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, पुअर मैनेजमेंट है, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, या इसके साथ साथ अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कम है, या फिर आपने कोई ऐसे टॉक्सिक चीज़ जो है वो अगर आपका लिवर जो है किसी टॉक्सिक चीज़ से एक्सपोज हुआ है तब। इसी तरह से अगर हम कुछ और फैक्टर्स की बात करें तो वो लोग जो ओरली नहीं खा सकते उनको हम समटाइम्स NG फीड देते हैं और समटाइम्स उन्हें वेन्स के ज़रिए जिसको हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं वो दी जाती है, तो उसके अंदर भी जो है वो चांसेस होते हैं कि आपका फैटी लिवर हो सकता है। सो डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है वो फैटी लिवर हो सकता है। टेम्परेरी तौर पे अगर फैटी लिवर है, जैसे मैंने अभी बताया कि टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन जिसके अंदर वेन्स के ज़रिए आपको खुराक दी जाती है या आपको थोड़ा सा हम डाइट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर जो है जब आप TPN को रोका या अगर आप ओरल डाइट लेना शुरू कर देते हैं, TPN से ले जाने वाली जो कैलोरीज हैं उनकी क्वांटिटी है जब कम हो जाती है तो आपका फैटी लिवर ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सेटल होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपका, जैसे अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत अरसे से आपका अनकंट्रोल्ड है, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, या किसी भी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जैसे आजकल PCOS का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है खवातीन के अंदर, लड़कियों में, तो उसके अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इन चीज़ों के साथ जो है आपका आपके अंदर फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। टेम्परेरी तौर पे अगर आपका लिवर फैटी है, फैटी लिवर है, तो वो तो आपको कोई मसला नहीं करेगा। लेकिन अगर परमानेंट जो है ये बहुत अरसे से जो है आपका फैटी लिवर का मसला चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके लिवर के सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी और आपका परमानेंटली आपका लिवर डैमेज हो जाएगा। सो हमने अगर कोई प्रॉब्लम टेम्परेरी तौर के ऊपर है तो हमने उसको तो जाहिर है डेफिनेटली हम एड्रेस कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत लंबे अरसे तक, जैसे मैं बात करी थी, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है तो वो आपके लिवर को, आप जहाँ आपकी बॉडी के दूसरे हिस्सों को अफेक्ट कर सकता है, लिवर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो हमने अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको देखें। फैटी लिवर की बात करते हैं तो हमें जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह में पता चल जाता है, इसके अलावा अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई भी होती हैं, जैसे अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल या फिर बिलीरुबिन, इस तरह की चीज़ें जो है वो भी ALT, AST ये सब जो है ऊपर नीचे होती हैं। अगर ये डिस्टर्ब हो तो फिर आपने अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया है तो आपको लगा है कि चीज़ें हमारी ऊपर नीचे आ रही हैं, तो आप अल्ट्रासाउंड भी करवाएँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर आ जाए कि क्या मसला चल रहा है। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जैसे मैं डिस्कस कर रही थी कि बहुत सारी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है, तो हमने जब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉज क्या थी, जो वजह थी उसको हमने एड्रेस करना है। जैसे अगर हमारी डाइट के अंदर अगर प्रोटीन नहीं है तो हम प्रोटीन लेना शुरू करेंगे तो हमारा फैटी लिवर का मसला ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर TPN के ऊपर पेशेंट था, अगर वो नॉर्मल डाइट के ऊपर आएगा तब भी उनका फैटी लिवर का मसला ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पी सी
PCOS है, या इसी तरह से अगर आपको डायबिटीज़ है और आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो अगर आप वॉक करेंगे, वज़न कम करेंगे, तो आपका इसका फैटी लिवर का इशू सही होना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए वॉक बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपके इंसुलिन जैसे रेजिस्टेंस होती है ना डायबिटीज़ के अंदर, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए बेहतरीन तरीका वॉक है। तो अगर हम वज़न कम करेंगे और हम अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेहतर करेंगे, तो हमारा इसका मसला फैटी लिवर का कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमने इसके ट्रीटमेंट के अंदर यही करना है कि जो भी इसकी रीज़न है, हमने उसको एड्रेस करना है।